ये दास्तां है फिल्म इंडस्ट्री की जोहरा जबी की, जो हमेशा रही हसीं और हमेशा जिंदा दिल और जवां दिल रहीं। नाम इनका अचला सचदेव। मेरे लाल, बेटा कितना भी पढ़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटा रहता। और फिर ये धन दौलत, ये सब हमें तेरे भाग्य ही से तो मिला है, तो तू क्यों ना सुख भोगे। 3 मई 1920 पेशावर में इनका जन्म हुआ। अचला सचदेव का बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता था। इन्होंने बड़ी से बड़ी फिल्मों में काम जरूर किया, पर बचपन का गम हमेशा इनके साथ रहा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या फिर मेरा नाम जोकर, चांदनी, मर्चेंट आइवरी की फिल्म द हाउसहोल्डर, हर तरह के सिनेमा में ये नजर आई। लेकिन इनके छुटपन में ही, जब ये मात्र 6 महीने की थी, तब इनके पिता का देहांत हो गया था। 4 बहनों में सबसे छोटी थी। मात्र 20 साल की उम्र में ही इन्हें माँ का किरदार निभाने के लिए कहा गया था। हालांकि ये कॉमेडी करना चाहती थीं, पर अचला सचदेव ने दरअसल शुरुआत की थी ऑल इंडिया रेडियो से, जहाँ पर ये रेडियो नाटक किया करती थीं। पर जब फिल्मों में एक बार माँ का किरदार इनके साथ चिपका, तो हमेशा के लिए वही किरदार चिपका रहा। इनके पहले पति फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। नाम था उनका ज्ञान सचदेव। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ, नाम रखा ज्योतिन। अचला सचदेव की शादी ना चली और बेटा भी विदेश चला गया, पर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ इनकी अच्छी दोस्ती रही। देवानंद साहब की बीवी मोना सिंगा, यानी कि कल्पना कार्तिक के साथ तो इतना दोस्ताना रहा कि अंत समय तक भी चिट्ठियां एक्सचेंज की जाती थी। राज कपूर और सुनील दत्त जैसे फिल्म मेकर्स के साथ इनकी खूब बनती थी। सरिता की रजामंदी से मैं तुम्हारे लिए सरिता का हाथ मांगने चौधरी साहब के पास गई थी। मैं न जानती थी कि जिस घर की बेटी इतनी नेक और इतनी मिलनसार है, उस घर के मालिक के दिलो दिमाग में दौलत का नशा है, झूठ का गरूर है। इनकी बड़ी गहरी दोस्त थी मीना कुमारी, पर कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि अचला सचदेव मीना कुमारी के पैसे के पीछे है, इसलिए अचला सचदेव को ये दोस्ती तोड़नी पड़ी। वो समझते हैं कि हमने उनकी दौलत हजम करने के लिए उनकी बेटी को बहकाया है, उनकी नजर में हम गली के कीड़े हैं। और साथ ही मीना कुमारी कुछ ऐसी हरकतें कर रही थीं जो अचला सचदेव को नागवारा थी। बहुत सी मनगढ़ंत बातें मीना जी के बारे में उड़ाई जा रही थीं, जिसकी वजह से अचला जी बहुत दुखी रहती थीं। इसमें शर्म की कौन सी बात है रे? फिल्म आदमी और इंसान की शूटिंग के दौरान अचला सचदेव का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त इनके साथ गाड़ी में पूनम सिन्हा भी थी। तब तक पूनम सिन्हा मिसेस शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बनी थी, और जिस गाड़ी में ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, उस ड्राइवर ने ले जाकर गाड़ी पेड़ में दे मारी। सायरा बानो और उनकी वालिदा जो पिछली गाड़ी में आ रहे थे, उन्होंने अचला सचदेव को फौरन पहुंचाया हॉस्पिटल। ये वो वक्त भी था जब ज्ञान सचदेव, यानी कि अपने पति से, ये तलाक ले चुकी थी। दौलत हमारे पास नहीं, फिर भी हम उसके भूखे नहीं। अचला सचदेव का करियर बहुत लंबा रहा। इन्होंने हर तरह का किरदार निभाया। माँ के ही बड़े अलग अलग शेड्स हमारे सामने रख दिए। इनके करीब मत जाना, स्वार्थी के करीब मत जाना, ये तुझे कैद कर लेंगे, मार डालेंगे, मार डालेंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की दादी माँ कोई नहीं भूल सकता, पर हीरो और हीरोइंस की वजह से इन्होंने फिल्मों को नमस्ते कह दी। बहुत लंबे वक्त का इनका करियर रहा, पर होता ये था कि ये तो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थी। हीरो और हीरोइन अक्सर लेट आते, जब वो आते तो डायरेक्टर साहब पहले उनके शॉट्स क्लियर करते और फिर अचला सचदेव के। इस चक्कर में इन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता। धीरे धीरे इन्होंने मन बना लिया कि बस अब फिल्मों में काम नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, तू इस महान का फर्जंद है, अपना मुंह मादरे वतन की तरफ रख कर चला जा, ताकि तेरी आंखों में वतन की याद रहे और मेरी बूढ़ी आंखों में तेरी तस्वीर बसी रहे। इनकी दूसरी शादी हुई क्लिफर्ड डगलस पीटर्स से, जिनकी फैक्ट्री थी पुणे में, इसलिए अचला सचदेव मुंबई छोड़ पुणे में जा बसी। यश चोपड़ा साहब ने ही पीटर और अचला जी का तारुफ करवाया था। पीटर के गुजर जाने के बाद अचला जी पुणे में अकेली रहीं, और सन 2011 में ये अपनी ही रसोई में गिर गईं। इन्हें भयंकर चोटें आईं और पता चला दिमाग पर भी गहरा असर हुआ है, और फिर पूरे शरीर को लकवा मार गया। 30 अप्रैल 2012 वो वक्त बनकर आया जब अचला सचदेव ने आखिरी सांसें ली। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में अचला सचदेव जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।